चलो दोस्तों, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनकिन्स का अगला टॉपिक। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ऐसा समझिए, जिस भी टॉपिक पे आज हम लोग बात करने जा रहे हैं, ये ही टॉपिक पे इंडस्ट्री पे काम होता है सबसे ज्यादा। तो जो भी टॉपिक पे हम लोग आज डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा पुरानी बातों को याद दिलाना चाहता हूं आप लोगों को। तो दोस्तों, हम लोगों ने जेनकिन्स के ऊपर 4 से 5 प्रोजेक्ट्स किया, राइट? आपने देखा भी, और जो बंदे वीडियो को बाय कर रखे उन्होंने लैब भी कर ली होंगी। तो आप लोगों ने देखा कि उस प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए हम लोगों ने जेनकिन्स में आके पाइपलाइन बनाया करते थे, है ना? अब सवाल आता है, पाइपलाइंस क्या होता है? बहुत सारे बंदों के दिमाग में कंफ्यूजन होगा, तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, पाइपलाइन है क्या एक्चुअल में? पाइपलाइन कुछ नहीं होता दोस्तों। आप अपने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जो जॉब्स बनाते हैं ना, नंबर ऑफ जॉब्स, एक जॉब बिल्ड का बना दिया, एक जॉब टेस्ट का बना दिया, एक जॉब क्यूए का बना दिया, एक जॉब डिप्लॉयमेंट का बना दिया, 4 जॉब आपने बना ली। जब आप चारों जॉब को आपस में इंटीग्रेट कर देते हैं तो एक पाइपलाइन बन जाती है, ठीक है? तो हम लोग जब प्रोजेक्ट बना रहे थे तो हम लोगों ने देखा भाई, एक जॉब बनाया, 2 जॉब बनाया, आपस में इंटीग्रेट किया, पाइपलाइन बन गया। लेकिन उस टाइम पर हम लोगों ने पाइपलाइंस को बनाने के लिए जो फंडा यूज कर रहे थे ना, उस फंडे को कहते हैं प्लगइन्स मेथड। मतलब हम लोग पाइपलाइंस बनाने के लिए प्लगइन्स मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे अभी तक। लेकिन आज हम लोग जिस भी टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक भी यही है, पाइपलाइंस बनाना। लेकिन आज हम लोग पाइपलाइंस को बनाने के लिए प्लगइन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आज हम लोग पाइपलाइंस को बनाने के लिए ग्रूवी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, स्क्रिप्ट का इस्तेमाल करेंगे पूरा का पूरा। तो जिस तरीके से हम लोग जब तक अभी तक जो प्रोजेक्ट्स बना रहे थे, उस प्रोजेक्ट्स को बनाने के लिए जो पाइपलाइंस हम लोग बना रहे थे, वो कैसे बना रहे थे? यहां जाते थे हम लोग, न्यू आइटम में जाया करते थे, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते थे, एक जॉब्स बनाया, 2 जॉब्स बनाया, 2 जॉब्स को आपस में इंटीग्रेट करना, प्लगइन्स की नीड पड़ी, हमने एक्स्ट्रा प्लगइन्स डाले और आपस में इंटीग्रेट करके एक पाइपलाइन बनाकर दे दिया। मतलब अभी तक हमारा जो पाइपलाइंस बन रहा था वो प्लगइन्स के माध्यम से बन रहा था, ठीक है? लेकिन आज हम लोग पाइपलाइंस बनाएंगे स्क्रिप्ट के थ्रू, क्लियर? तो देखिए, अगर यहां पे आप साफ साफ देखिए, दूसरा ऑप्शन यहां पे लिखा है पाइपलाइन। तो इसको हम लोग टॉपिक को हम लोग बोल सकते हैं कि आज हम लोग जेनकिन्स पाइपलाइन के बारे में बात कर रहे हैं, है ना? कहने के लिए आप बोल सकते हैं। लेकिन हम लोग जो अभी तक प्रोजेक्ट कर रहे थे वो भी एक पाइपलाइन था, लेकिन उस पाइपलाइन को बिल्ड करने के लिए हम लोग प्लगइन्स का यूज कर रहे थे। इस टर्म्स को ध्यान से सुन लीजिएगा। अब जरा फ्री स्टाइल वाले लाइन को पढ़े और ये पाइपलाइन वाले डिस्क्रिप्शन को पढ़ें तो आपको दोनों में डिफरेंशिएट क्लियर हो जाएगा। हालांकि अभी मैं दोनों की डिफरेंशिएट को अभी बताऊंगा आपको, लेकिन एक एक बार आप इस लाइन को पढ़ ले, जल्दी से इसको भी पढ़ ले। अब एकदम शॉर्ट फॉर्मेट में अगर आपको समझना है तो पूरी लाइन पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये वाली लाइन पढ़ ले। देखिए क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज दैट डू नॉट इजिली फिट इन फ्री स्टाइल जॉब टाइप। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि जिस भी कंपनी में कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो रही है डेवॉप्स के ऊपर, वहां पर आपके लिए फ्री स्टाइल जो प्रोजेक्ट है वो फिट नहीं है। मतलब पाइपलाइन ही फिट है जो हम लोग आज डिस्कस करेंगे। बोले तो पाइपलाइन बनाने के लिए स्क्रिप्ट का मेथड ही फिट अच्छा बैठेगा, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है? तो अब इसका मतलब अगर किसी बंदे को समझ में नहीं आया होगा, कोई टेंशन नहीं लेना, अभी डायग्राम बनाऊंगा, सब क्लियर कर दूंगा एक एक चीज, ठीक है? चलो, तो इसका मतलब तो ये क्लियर हो गया कि पाइपलाइन को बनाने के लिए 2 मेथड आपके पास अवेलेबल हैं, है ना? यहां पे मैं लिख देता हूं दोनों मेथड आपके सामने। जेनकिन्स पाइपलाइन, ठीक है? पहला मेथड क्या है दोस्तों और दूसरा मेथड क्या है, दोनों बताता हूं। पहला मेथड आप यहां पे बोलो पाइपलाइन प्लगइन्स, ठीक है? पाइपलाइंस बिल्ड करने के लिए आपने प्लगइन्स का इस्तेमाल किया। दूसरा मेथड क्या है दोस्तों, यूजिंग ग्रोवी स्क्रिप्ट। ठीक हो गया, चलो।
तो पाइपलाइन बनाने के लिए दो मेथड अवेलेबल होते हैं, एक प्लगइन्स और एक ग्रोवी स्क्रिप्ट। अभी तक हम लोग जो प्रोजेक्ट बना रहे थे वहाँ पर पाइपलाइन बनाने के लिए हम लोग प्लगइन्स का इस्तेमाल कर रहे थे। थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। जैसे ये आपने एक जॉब बनाई, ये आपने एक जॉब बनाई, ठीक है, ये आपने एक जॉब बनाई, ये आपने एक जॉब बनाई, चार जॉब आपने बना ली, ठीक है। यहाँ पे नाम भी लिख देता हूँ जॉब का। फॉर एग्जांपल ये हमारा हो गया जॉब वन, ये जॉब वन हो गया बिल्ड का, ठीक है। अगला जॉब हम लोगों ने यहाँ पर बनाया जॉब टू, ये हमारा हो गया मान लीजिए टेस्ट के लिए। अगला जॉब हमने बनाया जॉब थ्री, ये हमारा हो गया क्यूए के लिए। अगला जॉब हमने बनाया मान लीजिए जॉब फोर, और ये हो गया हमारा डिप्लॉय जॉब, ठीक है। तो हमने ये चार जॉब बनाया, एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, चार जॉब। अभी ये जॉब हैं, अलग अलग जॉब है, अभी ये पाइपलाइन नहीं बना। पाइपलाइन कब बनता है? जब हम एक जॉब को दूसरे जॉब से इंटीग्रेट कर देते हैं, दूसरे को तीसरे से इंटीग्रेट कर देंगे, तीसरे को चौथे से इंटीग्रेट कर देंगे, तब ये पाइपलाइन बन जाता है। तो अभी तक हम लोग अपने प्रोजेक्ट्स को करने के लिए जो पाइपलाइंस बना रहे थे वो कैसे कर रहे थे? एक प्रोजेक्ट को अगर दूसरे प्रोजेक्ट से इंटीग्रेट करना है तो हम लोग क्या करते थे, बीच में प्लगइन्स इंस्टॉल कर देते थे, है ना। यहाँ पे हमने प्लगइन्स डाल दिया, इसके बीच में एक प्लगइन्स डाल दिया, इसके बीच में एक प्लगइन्स डाल दिया। हालांकि प्लगइन्स का टॉपिक हम लोग अभी आगे भी डिस्कस करेंगे, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, लेकिन हमने प्रोजेक्ट्स में देखा था अपने डिमांड के हिसाब से प्लगइन्स इंस्टॉल करना, रिमूव करना, ये तो हमने सीख लिया, बहुत ईजी है और समझ में भी आ रहा होगा उन बंदों को जिन्होंने पहले की वीडियो देख रखे हैं। तो एक जॉब को दूसरे जॉब से इंटीग्रेट करने के लिए हमने क्या किया, यहां पर प्लगइन्स यूज कर लिया, राइट। यहां पर एक प्लगइन्स यूज कर लिया हमने जरूरत के हिसाब से, यहां पर हमने ये यूज कर लिया, ठीक है। चलो जैसे ही हमने प्लगइन्स यूज किया तो अब क्या होता है, जॉब वन जॉब टू के साथ इंटीग्रेट हो जाती है, जॉब टू थ्री के साथ इंटीग्रेट हो गई, जॉब थ्री फोर के साथ इंटीग्रेट हो गई, और अब ये फाइनली बन गया पाइपलाइन। देख सकते हैं ये बन गया पाइपलाइन। तो अभी तक हम लोग जो पाइपलाइंस बना रहे थे वो प्लगइन्स के माध्यम से बना रहे थे, क्लियर। आज हम लोग पाइपलाइंस बनाएंगे ग्रोवी स्क्रिप्ट के थ्रू। अब कई बंदों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, जब अभी तक पाइपलाइन बन ही रहा था तो ग्रोवी स्क्रिप्ट का फंडा क्यों आया भाई, और हम क्यों जाएं ग्रोवी स्क्रिप्ट के साइड जब हमारा काम यहां पे हो रहा है, सवाल आया होगा। और इंटरव्यू में भी ये क्वेश्चन पुटअप होते हैं, तो अभी ये सारे सवाल का आंसर मैं आपको देता हूं थोड़ी देर में। देखिए आपका प्लगइन्स के माध्यम से जॉब बन तो रहा है, लेकिन ग्रोवी स्क्रिप्ट में जाने से बहुत बेनिफिट है। क्यों बेनिफिट है समझाता हूं थोड़ा सा डिटेल में। देखिए अभी आपके पास यहां पर क्या है, एक जॉब, दो जॉब, तीन जॉब, चार जॉब। जरा ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, आपने यहां पे जॉब को अलग अलग पार्ट में क्यों डिवाइड किया, क्यों आपने बिल्ड जॉब को अलग किया, क्यों आपने टेस्ट जॉब को अलग किया, क्यों आपने क्यूए जॉब को अलग किया, क्यों आपने डिप्लॉयमेंट जॉब को अलग किया। आप तो ऐसा भी कर सकते थे ना, एक ही जॉब बना लें, जॉब वन, उसी में बिल्ड रख दें, उसी में टेस्ट रख दें, उसी में क्यूए रख दें, उसी में डिप्लॉयमेंट रख दें, एक ही जॉब में हो जाना था। चार जॉब क्यों बनाया आपने? तो चार जॉब हम लोग इसीलिए बनाए क्योंकि हम लोग हर टास्क को सेपरेट करना चाहते थे, यही तो कारण है भाई चार जॉब अलग अलग बनाने का, नहीं तो आपका तो एक ही जॉब में सब कुछ हो जाता है कि नहीं। आपने चार जॉब अलग अलग क्यों बनाए? सेपरेट रखना था आपको, बिल्ड टास्क अलग जॉब में रखना था आपको, टेस्ट के टास्क अलग जॉब में रखना है, क्यूए के अलग रखना है, डिप्लॉयमेंट के अलग रखना है, इसलिए आपको नीट पड़ी। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा हूं, और थोड़ा आगे लेके चलता हूं। अब जैसे आप रियल इन्वायरमेंट में जब आप जाएंगे तो वहां पर चार जॉब नहीं, हो सकता है आपके पास 50 जॉब, एक ही पाइपलाइन में 50 जॉब है, एक ही पाइपलाइन में 60 जॉब है, 100 जॉब है। क्यों इतनी जॉब क्यों होती है भाई कंपनी के अंदर? क्योंकि कंपनी के अंदर ये डिमांड हो जाती है यार हमें हर टास्क को ना सेपरेट करना है। अब होता क्या है, मान लीजिए जॉब नंबर वन में 20 टास्क हैं, जॉब नंबर टू में 15 टास्क हैं, जॉब नंबर थ्री में 10 टास्क हैं, जॉब नंबर फोर में 40 टास्क हैं। अब आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो आपसे कहता है, आईटी हेड जो भी आपका प्रोजेक्ट मैनेजर होगा वो बोलता है यार ऐसा कर हर टास्क को सेपरेट करना है। तो हर टास्क को अगर सेपरेट करना तो एक ही फंडा भाई, जॉब अलग अलग बना ले। तो अगर हम हर टास्क को सेपरेट करने के लिए बैठ जाएं तो क्या होगा पता है,
चार जॉब से पता लगेगा 40 जॉब बन जाएगी, 60 जॉब बन जाएगी, 100 जॉब बन जाएगी, 200 जॉब बन जाएगी। और 200 जॉब को आपस में इंटीग्रेट करना, 200 जॉब की एक पाइपलाइन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर उसे मैनेज करना इंडस्ट्री में, राइट? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको बताया। तो 200 जॉब बनाना आपस में इंटीग्रेट करना, एक सिंगल पाइपलाइन बनाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसे मैनेज करना, क्योंकि आप इस लाइन पे लिखा क्या, यही तो लिखा है, देखिए, ऑर्गेनाइजिंग कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज दैट डू नॉट इजली फिट इन अ फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। भाई होने को तो हो जाएगा, होने को तो हो जाएगा, बट इजली नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन वही है, यूजिंग ग्रोवी स्क्रिप्ट। अब यूजिंग ग्रोवी स्क्रिप्ट में आने के बाद क्या 200 जॉब नहीं बनानी पड़ेगी? क्वेश्चन आया होगा आप लोगों के अंदर, डेफिनेटली। तो बिल्कुल दोस्तों, अगर आप ग्रोवी स्क्रिप्ट में आते हैं तो आपके पास 200 टास्क हैं, 200 टास्क को सेपरेट करने के लिए 200 जॉब बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या करना होता है बता आपको, ग्रोवी स्क्रिप्ट में एक ही जॉब बना लीजिए, बस एक ही जॉब आपने बनाया, जॉब वन। क्या बनाया आपने? जॉब वन, ओपी पाइपलाइन जॉब, बस। इसीलिए इसको जेनकिंस पाइपलाइन भी लोग बोलते रहते हैं, ठीक है? एक ही जॉब बनाया बस, लेकिन एक जॉब बनाया लेकिन टास्क 200 है। अब क्या करेंगे, कैसे डिवाइडिंग करें भाई? तो ग्रूवी स्क्रिप्ट में टास्क को सेपरेट करने के लिए यहां पर स्टेजेस की फंक्शनलिटी दी गई आपको, आपके लिए स्टेजेस। तो ग्रूवी स्क्रिप्ट में जब हम लोग आते हैं तो हम लोग जॉब एक ही बनाएंगे पाइपलाइन का। अब हमारे पास जैसे चार टास्क हो गए, बिल्ड, टेस्ट, क्यूए, डिप्लॉय, तो आपको चार तीन और जॉब अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, जॉब एक ही बना लें, स्टेजेस बना लें और उसमें डिवाइडिंग कर लें, है ना? तो यहां पर क्या होता है पता आपको, हम लोग यहां पर स्टेज वन बना लिए, स्टेज टू, स्टेज थ्री और ये स्टेज फोर, ये हो गया। यहां पे लिख देता हूं मैं, स्टेज वन ये हो गया हमारा बिल्ड का, स्टेज टू ये हमारा हो गया टेस्ट का, स्टेज थ्री ये हमारा हो गया मान लो क्यूए का, स्टेज फोर ये हमारा हो गया डिप्लॉय का। ये लो। तो भाई आप देखे ना, आप यहां पे नंबर ऑफ जॉब क्यों बनाए, सेपरेट करने के लिए। तो ग्रूवी स्क्रिप्ट में एक जॉब बना पाइपलाइन का, सेपरेट कैसे हो गया, स्टेज से, स्टेज वन, स्टेज टू, स्टेज थ्री, बात खत्म। सेपरेट ही तो चाहिए ना, इंपॉर्टेंट क्या, सेपरेट करना। और ये सारे स्टेज इस जॉब से बिलोंग करेंगे, बात खत्म। ये लीजिए, तो आपको 200 टास्क सेपरेट करने हैं तो 200 जॉब बनाने की जरूरत नहीं है। एक ही ग्रूवी स्क्रिप्ट में आए, एक ही जॉब बनाए, 200 स्टेज बना ले पूरा का पूरा। ये लीजिए, सारे एक ही जॉब से, तो आपको मैनेज करने में दिक्कत नहीं होगी। सबसे यूजफुल तो ये है, ठीक है? दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट ये होता है कि दोस्तों, ग्रूवी स्क्रिप्ट में पूरा का पूरा काम स्क्रिप्ट से होता है, पूरा का पूरा काम स्क्रिप्ट से। स्क्रिप्ट लिखना आपको बस, बहुत ही सिंपल इजी लैंग्वेज में लिखा जाता है, मैं आपको सिखा दूंगा, आप भी सीख जाएंगे, प्लेन टेक्स्ट एकदम, राइट? थोड़ा सा और आगे लेके चलता हूं। देखिए, आप लोग पाइपलाइंस बनाने के लिए अगर प्लगइन्स के थ्रू पाइपलाइंस बनाते हैं और अगर ग्रूवी के थ्रू पाइपलाइंस बनाते हैं, तो एक डिफरेंशिएट तो मैंने आपको बता दिया, अगला डिफरेंशिएट बताता हूं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये आपका जेनकिंस सर्वर है, ये आपका जेनकिंस सर्वर है, यहां पर लिख देता हूं मैं, ये आपका क्या है, जेनकिंस सर्वर है। इसकी आईपी मान लीजिए 10.125.170.21 है, ठीक है? एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, ठीक है? चलो, अब आप क्या करते हो, ये जेनकिंस सर्वर है। अब मान लो मुझे पाइपलाइन बनाना है प्लगइन्स के थ्रू, तो आप क्या करते हो, यूआरएल पे जाते हो, है ना? जैसे ये यूआरएल आ गया,
है ना, ऐसे यूआरएल पे जाते हो, मान लो 10.125.170. ये सारा चीज़ उन बंदों को समझ लग रहा होगा जो पुरानी वीडियो वॉच कर चुके हैं, इसके पहले वाला 8080 किया एक्सेस हो जाता है, जैसे ये एक्सेस है, ठीक है भाई, ये जेनकिन सर्वर आपने एक्सेस कर लिया। अब आपको पाइपलाइन बनाना, तो आप क्या करोगे, अगर प्लगइन्स के माध्यम से आप यहाँ पर आओगे, आपने बोला भाई जॉब वन फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट, नेक्स्ट किया, ठीक है, अपनी डिमांड यहाँ पे लिखी, उसके बाद अप्लाई सेव कर दिया, मैं फिल नहीं कर रहा हूँ, आप लोगों को आ गया होगा अच्छी से, है ना, एक बन गई जॉब, दूसरी जॉब बनाया, जॉब टू ये लीजिए, ओके किया, जॉब टू बन गई आपकी, है ना, ये बन गई जॉब टू। अब दोनों जॉब को आपस में जोड़ना है, आप प्लगइन्स डाल लोगे, जुड़ जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है पता है, यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप पाइपलाइन बनाते हो प्लगइन्स को यूज करके, तो आपको पता है आपको जेनकिन सर्वर का यूजर इंटरफेस एक्सेस करके ही काम करना पड़ता है, बोले तो यूआई इंस्टेंस में ही काम करना पड़ता है। तो आप बोलोगे इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई भाई, बड़ी बात है कब, जब आप ग्रूवी स्क्रिप्ट का वर्किंग मोड समझ जाओगे। तो अगर आप यूजिंग ग्रूवी स्क्रिप्ट से पाइपलाइन बनाते हो तो आपको दो ऑप्शन मिल जाता है। पहला ऑप्शन ये होता है कि आप चाहो तो यूआई इंस्टेंस में बैठ के स्क्रिप्ट लिख लो, यूआई इंस्टेंस में बैठ के स्क्रिप्ट लिख लो, कैसे, जैसे न्यू जॉब किया मैं, अगर पाइपलाइन में किया यहां पर मान लीजिए जॉब थ्री, पाइपलाइन सेलेक्ट किया था, पाइपलाइन में आइए, ठीक है, यहां बैठ के आप स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, देखिए ये सिंटैक्स भी यहां पे स्क्रिप्ट के अवेलेबल है, देखो ये, तो ये आप पाइपलाइन बना रहे हो ग्रूवी स्क्रिप्ट को यूज करके जेनकिन सर्वर के यूजर इंटरफेस में बैठ के, ठीक है। आपने बोला भाई प्लगइन्स में भी तो यही यूजर इंटरफेस में ही बैठे थे, तो अभी बताता हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा बेनिफिट। तो अगर आप ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू पाइपलाइन बनाने आते हो तो आपको दो ऑप्शन मिलता है। पहला ऑप्शन ये कि आप यूआई इंस्टेंस में भी बैठ के काम कर सकते हो, यूआई इंस्टेंस में भी बैठ के आप स्क्रिप्ट लिख सकते हो। एक मिनट होल्ड करना दोस्तों, एक मिनट, सॉरी दोस्तों, फोन की वजह से थोड़ा सा रोकना पड़ गया रिकॉर्डिंग को। चलिए कंटिन्यू करते हैं, काफी ज्यादा कॉल आ जाते हैं मुझे। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि अगर आप पाइपलाइन ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू बनाते हैं तो आपको यूआई इंस्टेंस की फंक्शनलिटी भी मिलती है, बोले तो स्क्रिप्टिंग जो आप करेंगे वो चाहे तो जेनकिंस का यूजर इंटरफेस में बैठ के भी स्क्रिप्टिंग कर सकते हैं। और दूसरा दूसरा ऐसा होता है कि जरूरी नहीं है कि आप जेनकिन सर्वर के यूजर इंटरफेस में बैठ के स्क्रिप्ट लिखें, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ये मेरा मान लीजिए पर्सनल लैपटॉप है, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ दोस्तों, ये मेरा पर्सनल लैपटॉप है। पर्सनल लैपटॉप में मैंने एक टेक्स्ट फाइल खोला, नोटपैड फाइल खोला, ठीक है, इस टेक्स्ट फाइल में पूरी स्क्रिप्ट लिख ली। टेक्स्ट फाइल में पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बाद मैंने क्या किया, यहां पर गिटहब आ गया। आप सबको पता है गिटहब के बारे में, आप लोगों ने पढ़ भी रखा है गिटहब, जिन्होंने गिटहब नहीं पढ़ा उन्हें डाउट हो रहा होगा भाई क्या बोल दिया सर ने, ठीक है। उसके बाद आप इस गिटहब में टेक्स्ट फाइल को पुश कर देंगे पूरी स्क्रिप्ट, और इस गिटहब को आपने क्या कर रखा है, जेनकिंस के अंदर आपने ये जो भी पाइपलाइंस जॉब बनाई, जॉब वन में, जॉब वन आपने बनाई होगी पाइपलाइन, इसके साथ इंटीग्रेट कर दे, बात खत्म। हाँ एक चीज और बता दूं यहां पर, लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है यहां पर, प्रॉब्लम यह आती है कि फर्स्ट टाइम के लिए आपको जेनकिंस सर्वर का इंटरफेस एक्सेस करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम का मतलब क्या होता है समझाता हूं, मतलब यह है कि जब आप ग्रूवी स्क्रिप्ट में जॉब वन बनाएंगे ना, तो जॉब वन जो होगी ना वो ग्राफिकल ही बनेगी, बोले तो यूजर इंटरफेस में बैठकर ही बनेगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जैसे ये जॉब वन में बना रहा हूं, तो ये मैंने यहां पर एक बार बना दिया, यहां पर अपना सोर्स कोड मैनेजमेंट का लिंक दे दिया, अप्लाई कर दिया, बात खत्म, ठीक है। तो ये मेरी जॉब बन गई, जैसे ये मेरी बन गई जॉब थ्री। तो अब अगर मुझे इसके अंदर कोई भी चेंजेस करना है, तो कोई भी चेंजेस करने के लिए अब मुझे दोबारा यूजर इंटरफेस पे आने की जरूरत नहीं है। मैंने तो जॉब वन बनाई थी, तो एक बार मैंने अपने गिटहब का लिंक यहां पर दे दिया, और उस गिटहब का जो भी लिंक है वो मैं यहां पे लोकल में बैठा हुआ, मुझे पता है
अब मुझे फर्दर कोई चेंजेस करना है तो मुझे जेनकिन सर्वर के यूजर इंटरफेस में आने की जरूरत नहीं है, मैं लोकल में ही बैठ के स्क्रिप्ट को चेंजेस करके, नंबर ऑफ स्टेजेस ऐड करके, कुछ स्टेजेस रिमूव करके, स्क्रिप्ट में कुछ भी चेंजेस करके मैं पुश करता रहूंगा, काम होता रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि आपको, आप अगर पाइपलाइंस को मैनेज करते हैं ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू, तो आपको बार बार जेनकिन सर्वर के यूजर इंटरफेस में आने की जरूरत नहीं है, लोकल मशीन में बैठ के ही सारा काम हो जाता है। लेकिन अगर आप पाइपलाइंस को बनाने के लिए प्लगइन्स का यूज करते हैं, तो जब भी आप फर्स्ट टाइम पाइपलाइंस को बना रहे थे प्लगइन्स का इस्तेमाल करके, तो फर्स्ट टाइम आपको यूजर इंटरफेस तो एक्सेस करना पड़ेगा ही। फर्स्ट टाइम यूजर इंटरफेस एक्सेस करना तो ग्रूवी स्क्रिप्ट में भी पड़ रहा है आपको, लेकिन सेकेंड टाइम से फिर आपको यूजर इंटरफेस में आने की जरूरत नहीं, आप लोकल सिस्टम से ही पूरी की पूरी स्क्रिप्ट मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पाइपलाइंस बनाते हैं प्लगइन्स के माध्यम से, तो फर्स्ट टाइम के लिए भी आपको यूजर इंटरफेस एक्सेस करना पड़ेगा, और सेकेंड टाइम के लिए फिर आपको आना पड़ेगा। कोई जॉब ऐड करनी है, कोई जॉब निकालनी है, इंटरफेस में आनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ग्रूवी स्क्रिप्ट में हो तो सेकेंड टाइम के लिए, मान लो कोई स्टेजेस रिमूव करना है, कोई अनदर स्टेजेस ऐड करना है, कोई नहीं भाई हमारे पास स्क्रिप्ट लोकल में पड़ी हुई ना, स्क्रिप्ट में ही तो बदलना है, चेंजेस पुश कर देंगे गिटहब में, काम हो गया। ये बेनिफिट है, तो इसे नोट डाउन करने, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बोल दिया दोस्तों ये। चलो अब अगली बात करते हैं, ठीक है। तो मोर, अगर कहीं भी इन्वायरमेंट में अगर मोर कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज हो रही है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा भाई, डेवलपर या आप डेवऑप्स इंजीनियर हो, आप अपने लोकल सिस्टम से ही बैठ के स्क्रिप्ट में चेंजेस वगैरह कर रहे हो, आपको बार बार जेनकिन सर्वर का यूजर इंटरफेस एक्सेस करने की जरूरत नहीं है। यहीं से आपको समझ में आ गया होगा, इंडस्ट्री में पाइपलाइंस बनाने के लिए ग्रूवी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल किया जाता है। नोट डाउन कर लें, इंटरव्यू में बहुत ज्यादा इसके बारे में सवाल पूछा जाता है। चलो अब थोड़ा सा और अगला स्टेप चलते हैं। देखो, कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए हमने प्लगइन्स के माध्यम को यूज करके पाइपलाइंस बनाया, ठीक है। अब ये पाइपलाइंस जब चलता है तो क्या होता है, पहले जॉब वन चलेगा, जब जॉब वन कंप्लीट हो जाएगा तब जॉब टू चलेगा, जब जॉब टू कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जॉब थ्री चलेगा, जब जॉब थ्री कंप्लीट हो जाएगा तब जॉब फोर चलेगा। अब मान लीजिए अगर मेरी ऐसी डिमांड आ गई कि यार मैं चाहता हूं ये जॉब थ्री ना मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन मैं जॉब थ्री के टास्क को हटाना भी नहीं चाहता, यहां से मैं चाहता हूं जॉब थ्री अभी यहीं पे रहे, कुछ टाइम के लिए ऐसा करते हैं कि इसको स्किप करा देते हैं। स्किप का मतलब क्या होता है, मैं चाहता हूं ये जब पाइपलाइन चले तो पहले जॉब वन चले, जॉब वन कंप्लीट होने के बाद जॉब टू चले, और जॉब थ्री में जब चलने के लिए जाना हो तो जॉब थ्री को स्किप करके सीधे जॉब फोर में चला जाए, ऐसा चाहता हूं मैं। तो यहां पर स्किप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि जॉब थ्री को नहीं चलवाना चाहते पाइपलाइन के अंदर, तो आप ये पैरामीटर यहां से हटा दें, बट ऐसा नहीं हो सकता, जॉब थ्री अवेलेबल भी रहे लेकिन स्किप हो जाए, रन ना हो। कहां पर ये, अगर आप पाइपलाइन बनाते हैं प्लगइन्स के माध्यम से, तो यहां पर स्किप का ऑप्शन नहीं है, कोई भी जॉब को आप स्किप नहीं करा सकते। स्किप करवाने का मतलब, करवाना चाहते हैं तो उसे हटा ही दीजिए वहां से। लेकिन अगर आप ग्रूवी स्क्रिप्ट में आते हैं तो यहां पर स्किप का ऑप्शन है, आप जॉब थ्री को नहीं चलाना चाहते कोई फर्क नहीं, आप पड़े जॉब थ्री का पैरामीटर वहां पे रहने दीजिए, स्किप करवा दीजिए बस। तो स्किप करवाएंगे तो क्या होगा, जॉब वन चलेगा, फिर जॉब टू चलेगा, जॉब थ्री के बाद जब जॉब थ्री में आना होगा वो स्किप हो जाएगा, सीधे जॉब फोर चल जाएगा। ये बेनिफिट नोट डाउन कर लें, इंटरव्यू में बता सकते हैं। अगला डिफरेंशिएट क्या है, अगला डिफरेंशिएट यहां पर ये है, मान लीजिए हमने ये पाइपलाइंस को रन किया, ठीक है, रेड मार्क ले लेता हूं, ये पाइपलाइंस हमने रन किया, जॉब वन हमारा चला, जॉब टू हमारा चला, जॉब थ्री जब चलने के लिए गया था, जॉब थ्री में कोई पैरामीटर गलत था वो नहीं चला, राइट, या ऐसा समझिए जॉब फोर, जॉब थ्री चल गया, जॉब फोर का कोई पैरामीटर गलत था, जॉब फोर नहीं चला। अगर जॉब फोर चल भी गया, कुछ एरर आ गया तो मतलब आपका टास्क तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, आपका टास्क तो तब कंप्लीट होगा जब चारों जॉब कंप्लीट होके जो आउटपुट मिलेगा तब जाके आपका टास्क कंप्लीट होगा, आप जो डिमांड चाहते हो। लेकिन जॉब फोर तो चला ही नहीं, तो डिमांड तो पूरी हुई नहीं, तो अब आप क्या करते हो, अब आप क्या करेंगे, जॉब फोर में जाएंगे, देखेंगे भाई क्या पैरामीटर गलती है, उसको सही करेंगे। अब आप उसको सही करोगे
तो अब क्या करना होगा, अब दोबारा पाइपलाइन चलाओगे। जब आप दोबारा पाइपलाइन चलाओगे तो जॉब वन फिर से चलेगी, जॉब वन, जॉब टू फिर से चलेगी, जॉब थ्री भी फिर से चलेगी, फिर जॉब फोर चलेगी। क्या ऐसा फंक्शनलिटी नहीं है यार, जॉब वन, जॉब टू, जॉब थ्री तो चल चुकी थी, जॉब फोर ही चलाते हैं ना बस। तो यहां पर ऐसी फंक्शनलिटी नहीं है कि सिर्फ जॉब फोर ही चला दो, यहां पर तो पूरा दोबारा से चलेगा। ऐसा नहीं है कि रिस्टार्ट कर लो सिर्फ इसी को। अब कोई बंदा बोलेगा सर दिक्कत क्या है इसमें, तो दिक्कत बता देता हूं क्या है। दिक्कत यहां पर यह है, मान लीजिए जॉब वन के अंदर बहुत सारे टास्क थे, बहुत बड़ा टास्क था, जॉब वन को चलने में 10 मिनट ले गया, जॉब टू को चलने में 20 मिनट ले गया, जॉब थ्री चलने में 30 मिनट ले गया। दोस्तों 10 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट कितना हो गया, एक घंटा। मतलब जब ये जॉब दोबारा चलेगी तो एक घंटे और लग जाएंगे, और एक घंटे और लगेंगे तो समय बर्बाद होगा, समय ज्यादा खा रहा ना ये, और कंपनी के अंदर समय बचाना ही तो पैसा है, तो यही तो ड्रॉबैक है यहां पर। लेकिन अगर आप ग्रूवी स्क्रिप्ट में आ जाते हैं तो यहां पर रीस्टार्ट करने की फंक्शनलिटी है। मतलब मान लीजिए आपका स्टेज थ्री कुछ दिक्कत कर गया, आप उसको जल्दी जाइए करेक्ट करिए, करेक्ट करने के बाद आपको ये पूरी जॉब चलाने की जरूरत नहीं है, ये जॉब वन है इसको दोबारा चलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ स्टेज थ्री को रीस्टार्ट कर लें। क्या कर लें, स्टेज थ्री को रीस्टार्ट कर लें। यही तो एडवांटेज है ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू पाइपलाइन बनाने का, इसीलिए तो इंडस्ट्री इसको प्रेफर्ड करती है, ना कि प्लगइन्स के माध्यम से, राइट। एक और सवाल मैं आंसर देना चाहता हूं जो मैं भूल गया था आपको पहले बताना। दोस्तों ग्रूवी स्क्रिप्ट में भी प्लगइन्स की नीड पड़ती है, लेकिन ये ऑटोमेटिक सूट ऑफ प्लगइन्स होता है, इसके अंदर अपने आप पिकअप कर लेता है, राइट। कई बार इंटरव्यू में फंसा देते हैं, क्या प्लगइन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, बंदे बोलते हैं नहीं पड़ेगी, नहीं सर पड़ती है, लेकिन सूट ऑफ प्लगइन्स अपने आप होते हैं जब आप ग्रूवी स्क्रिप्ट के थ्रू जब आप जॉब बनाते हैं, पाइपलाइन बनाते हैं, तो वो सूट ऑफ प्लगइन्स अपने आप उठा लेते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कुछ मेजर प्लगइन्स होते हैं जो आपको एक्स्ट्रा डालने पड़ते हैं, बाकी बहुत से 80% अपने आप होते हैं, ठीक है। कौन से डालने पड़ते हैं आगे बात करेंगे प्रैक्टिकल में। चलो उम्मीद करता हूं सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं। देखिए आगे ये होता है कि अब मान लीजिए ये आपकी पाइपलाइन है, ठीक है, ये आपका क्या है, पाइपलाइन है। अब मैं चाहता हूं इस पाइपलाइन के अंदर ना, मैं चाहता हूं ये वाली जॉब में ना कुछ लूप कंडीशन लगाना चाहता हूं। लूप कंडीशन मतलब ये वाली जॉब तभी चले जब हार्डवेयर इतना हो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ करना चाहता हूं। ये फंक्शनलिटी यहां पर नहीं है, लेकिन जब आप ग्रूवी स्क्रिप्ट वाले पाइपलाइन में आते हैं तो ये फंक्शनलिटी यहां पर है। मैं चाहता हूं स्टेज थ्री तभी चले जब मेरा जेनकिन सर्वर का रैम 4GB हो। कंडीशन लगा सकता हूं, लूप लगा सकता हूं, जो कंडीशन लूप की फंक्शनलिटी ग्रूवी स्क्रिप्ट में अवेलेबल है जो यहां पर नहीं है, इसीलिए इंडस्ट्री ग्रूवी स्क्रिप्ट को प्रेफर्ड करती है पाइपलाइन बनाने के लिए। नोट डाउन कर लें, ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा और समझाता हूं, एक और डिफरेंशिएट देता हूं बढ़िया वाला। अब देखो कंपनी के अंदर जब हम लोग तो अभी प्रैक्टिस करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, एक ही जेनकिन सर्वर बना लिया उसी पे काम करते हैं। कंपनी में ऐसा नहीं होता दोस्तों, कंपनी में क्या होता है पता है आपको, कंपनी में एक जेनकिन सर्वर रहेगा, वो मास्टर रहेगा, बाकी एजेंट हम लोग बना के रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मास्टर को कभी कुछ हो गया है ना, तो कंपनी के अंदर ये जेनकिन का एक एजेंट हो गया, ये जेनकिन का दूसरा एजेंट हो गया, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर एजेंट वन, एजेंट टू। तो ये मास्टर हो गया, ये एजेंट वन एजेंट टू हो गया, है ना, फॉर मास्टर स्लेव जैसे रख लिया हमने। अब कल को क्या हुआ, ये डाउन होता है तो चीजें यहां शिफ्ट हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब भी आप पाइपलाइंस को बनाते हैं प्लगइन्स का यूज करके, तो सारी की सारी एक्टिविटी, सारे जॉब कहाँ चलते हैं पता है, मास्टर पे चलते हैं जब तक मास्टर लाइव है। जब मास्टर डाउन होगा तभी यहाँ शिफ्ट होता है। लेकिन आप एक चीज नोट करें, ये एजेंट वन एजेंट टू क्या तभी चलेंगे, तभी यूज आएंगे जब मास्टर डाउन होगा, और कभी मास्टर डाउन नहीं होता है तो ये ऐसे चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर चुपचाप बैठे तो दिक्कत क्या है, आप बोलोगे कोई दिक्कत नहीं है, मैं बताता हूँ दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है कि मान लीजिए आप जेनकिन सर्वर पे एक ही जॉब, एक ही पाइपलाइन थोड़ी चला रहे हैं, कल को बहुत सारे चलाएंगे तो इस पर लोड बढ़ेगा, तो
तो मैं चाहता हूं अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, तो आप यहां पर नहीं कर सकते। पाइपलाइंस अगर प्लगइन्स के माध्यम से बनाते हैं तो आप अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते एजेंट के साथ, लेकिन अगर आप ग्रूवी स्क्रिप्ट में आते हैं तो आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैसे? मैं चाहता हूं स्टेज वन मास्टर पे चले, स्टेज टू एजेंट वन पे चल जाए, स्टेज थ्री यहां चल जाए। लो भाई, यही तो एडवांटेज है, इसलिए तो इंडस्ट्री ग्रूवी स्क्रिप्ट के साइड जाती है। उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो थोड़ा सा और आगे चलता हूं। अब क्या होता है, अभी तो हम लोग जो बात कर रहे थे वो पाइपलाइंस बिल्ड करने के लिए प्लगइन्स के माध्यम से और ग्रूवी स्क्रिप्ट के माध्यम से बात कर रहे थे कि ग्रूवी स्क्रिप्ट से पाइपलाइन बिल्ड किया तो क्या फायदा होता है, प्लगइन से किया तो कैसे होता है, यही बात कर रहे थे हम लोग। अब हम लोग थोड़ा सा ग्रूवी स्क्रिप्ट में अगर अंदर चलेंगे ना, तो ग्रूवी स्क्रिप्ट को अगर हम यूज करके पाइपलाइन बनाते हैं तो स्क्रिप्ट लिखने के दो मेथड होते हैं। अब यहां पर एक होता है स्क्रिप्टेड पाइपलाइन जिसको हम बोलते हैं, और एक होता है डिक्लेरेटेड पाइपलाइन। तो बोले तो ग्रूवी स्क्रिप्ट में जब आपके आके पाइपलाइन बनाएंगे तो दो मेथड आपको मिलेगा, एक स्क्रिप्टेड पाइपलाइन, एक आपका डिक्लेरेटेड पाइपलाइन। इन दोनों में क्या डिफरेंशिएट है आगे बात करता हूं, जमीन आसमान का डिफरेंशिएट है। चलो तो एक हो गया आपका स्क्रिप्टेड और एक हो गया आपका डिक्लेरेटेड। यही सिंटेक्स तो समझना है, इसी सिंटेक्स में तो पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाएगी। ये लीजिए स्क्रिप्टेड और डिक्लेरेटिव। पहले स्क्रिप्टेड आया उसके बाद डिक्लेरेटिव आया। डिक्लेरेटिव थोड़ा सा मोर एंड मोर फंक्शन यहां पर है, तो दोनों के सिंटेक्स को समझते हैं फिर अंतर समझेंगे। तो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन के सिंटेक्स को समझते हैं। अगर आप स्क्रिप्टेड पाइपलाइन लिख रहे हैं तो स्टार्ट होता है नोड से, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट और ये फ्री कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब ये नोड और ये कर्ली ब्रैकेट जो स्टार्ट है और ये क्लोज है, इन्हीं के बीच में पूरी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। जैसे मैंने एंटर कर दिया, लो अब यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखूंगा मैं। कैसे? ये मैंने बोला स्टेज, ये लो डिस्क्रिप्शन लिख दिया, ये लो क्लोज कर दिया। तो ये स्टेज लिखा मैंने, स्टेज वन, और ये डिस्क्रिप्शन। उसके बाद इस स्टेज के अंदर क्या टास्क लिखना है उसके लिए फिर मैंने कर्ली ब्रैकेट लगाया, फिर क्लोज किया, और इस स्टेज के अंदर जो भी टास्क लिखोगे वो इसके अंदर आएगा। ये लीजिए मैं, है ना, जैसे मैंने इस स्टेज के अंदर एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए एक टास्क लिख दिया, वेलकम टू बिल्ड स्टेज। हालांकि हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो अपना टास्क डालेंगे अभी समझाने के लिए। तो ये एक स्टेज हो गया, और लिखना और लिख दीजिए। तो अब देखिए ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ, ये इसको क्लोज करता है, ये कर्ली ब्रैकेट इस स्टेज वाले को स्टार्ट करता है, ये इसको क्लोज करता है, राइट। चलो अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे कर दें, हालांकि करना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, है ना, ये ऐसे भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, यहां भी रहेगा कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अच्छा दिखे तो मैंने इसको इधर कर दिया। चलो अब मान लो अगर मुझे दूसरा स्टेज करना है यहां पर, तो कुछ नहीं भाई साहब, ये लीजिए दूसरा स्टार्ट हो गया स्टेज, दूसरे स्टेज में मैसेज दे दीजिए भाई टेस्ट के लिए है ये, ये लीजिए दूसरे स्टेज में जो भी आपको टास्क डालने हैं, कमांड डालने हैं, ये कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, ये क्लोज, इसके बीच में डालिए, एंटर कर दीजिए, नीचे आ गया। ये लीजिए इसमें मैंने क्या लिख दिया, एको वेलकम टू टेस्ट स्टेज, बात खत्म। ये लीजिए ये इसका हो गया। अब तीसरा करना है, ये लीजिए आ जाइए नीचे, स्टेज मैंने बोला QA, ये लीजिए कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसकी कमांड इसके बीच में आ जाएंगी। ये लीजिए अभी तो मैं सिर्फ एक मैसेज डाल रहा हूँ, इको कमांड डाल रहा हूँ, इंडस्ट्री में अपने अपने नीड के हिसाब से रहेगी। QA स्टेज, अभी तो सिर्फ आपको सिंटेक्स समझना है, बस प्रैक्टिकल करेंगे सब क्लियर कर दूंगा, ठीक है ना। अब अगला फोर्थ नंबर जैसे है,
स्टेज डिप्लॉय। इको वेलकम टू ये ले, हो गया काम खत्म, देख ले। तो ये एक स्टेज, दूसरा स्टेज, तीसरा, चौथा, डिवाइडिंग करते जाइए। बस ध्यान रखिएगा ये नोड सही होना चाहिए। ये कर्ली ब्रैकेट को ये क्लोज कर दिया, ये स्टेज वाले कर्ली ब्रैकेट को ये क्लोज कर दिया, इस वाले स्टेज को ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इसको ये क्लोज कर दिया, इसको ये, हो गया सेपरेट। तो ये जो सिंटैक्स है ना, ये स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का, अगर डिक्लेरेटिव पाइपलाइन के सिंटैक्स में आते हो थोड़ा सा अलग होता है। समझाता हूँ डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का सिंटैक्स। इसका सिंटैक्स स्टार्ट होता है पाइपलाइन कीवर्ड से, ये लीजिए ऐसे होता है, ये लीजिए पाइपलाइन कीवर्ड। लेकिन यहां पर एक पैरामीटर आएगा एक्स्ट्रा, एजेंट एनी। क्यों आएगा समझाता हूं। एजेंट एनी इसलिए यहां पे आता है क्योंकि मान लीजिए यहां पर हम आते हैं, हमारे पास जेनकिंस का एक मास्टर नोड है, एजेंट वन और एजेंट टू है, ऐसे 3-4 मोर है। तो यहां पर एजेंट एनी का मतलब ये होता है कि इस पाइपलाइन के अंदर जितने भी स्टेजेस डालेंगे वो एनी अवेलेबल एजेंट में चलेगा, है ना। जैसे स्टेज वन यहां चल गया, अब ये खाली है तो स्टेज टू यहां चल जाएगा, ये खाली तो स्टेज थ्री यहां चल जाएगा, राइट। इसलिए यहां पर एनी एजेंट आता है। बाकी हम एजेंट का और भी पैरामीटर जो हम लोग प्रैक्टिकल में बताऊंगा मैं, उसके बाद क्या होता है यहां पर ये समझे। उसके बाद यहां पर आ जाता है दोस्तों आपका स्टेजेस, राइट। क्या आ जाता है, स्टेजेस आ जाता है। अब स्टेजेस यहां पर आ गया, ये कर्ली ब्रैकेट लो। अब स्टेजेस के अंदर स्टेज होगा, ठीक है। तो इस स्टेजेस के अंदर कितने स्टेज होंगे वो इस कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखे जाएंगे, ये लो। जैसे एक स्टेज हो गया, ये लो, ये एक स्टेज, ये हो गया बिल्ड का, ये लो, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर कितने स्टेप लिखे जाएंगे, कितने टास्क लिखे जाएंगे वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगे, ये लीजिए। तो इस स्टेज के अंदर आप स्टेप लिखे जाएंगे, नंबर ऑफ स्टेप भी लिख सकते हैं आप। तो मैंने बोला ये स्टेप, अब इस स्टेप के अंदर क्या टास्क लिखेंगे वो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएगा, बस। जैसे मैंने इस स्टेप के अंदर लिख दिया इको वेलकम टू बिल्ड स्टेज, बात खत्म। तो देखें क्या हुआ यहां पर, स्टेजेस के अंदर एक स्टेज, स्टेज के अंदर स्टेप्स, स्टेप के अंदर ये टास्क, ऐसे इस स्टेज के अंदर दूसरा स्टेप लिख सकते हैं, दूसरे स्टेप के अंदर दूसरा टास्क, या एक ही स्टेप के अंदर नंबर ऑफ टास्क। थोड़ा सा आपको फंक्शन अच्छे मिल गए यहां पे, बट कर्ली ब्रैकेट का ध्यान रखना है। किसका ध्यान रखना है, ये वाले स्टेप का कर्ली ब्रैकेट ये क्लोज हुआ, इसका स्टेज का ये क्लोज हुआ, स्टेजेस का ये क्लोज हुआ, और पाइपलाइन का ये क्लोज हुआ, ठीक है। थोड़ा सिस्टमेटिक लगा दें आपको लगाना है तो, बाकी अदरवाइज कोई समस्या नहीं दोस्तों, इधर उधर रहेगा तो भी चलता है। चल अब अगर इस स्टेज के अंदर अगला स्टेज लिखना है तो क्या होगा, अगला स्टेज लिखना है तो अब आप देखें इस स्टेज को कौन सा कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर रहा था, इस स्टेज को ये वाला कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर रहा है, तो इसके नीचे आ जाए। प्रैक्टिकल करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। अभी तो सिर्फ आपको सिंटैक्स बता रहा हूं, ये अगला स्टेज हो गया टेस्ट, ठीक है। इसके अंदर, इस स्टेज के अंदर क्या स्टेप है, ये लो इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर स्टेप्स, इस स्टेप्स के अंदर क्या लिखना है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर, है ना, वेलकम टू टेस्ट स्टेज। चलो ऐसे ही चलता जाता है फर्दर नेक्स्ट, क्लियर। तो ये एनी एजेंट का मतलब है, अब जैसे ये वाला स्टेज कहीं और चल गया किसी दूसरे एजेंट में, ये किसी और में, किसी और अवेलेबल में चल जाएगा। ऐसे भी बाइंड भी कर सकते हैं, ये मास्टर पे चले, ये
एजेंट वन में सारी फंक्शनलिटी मैंने आपको बता दी, तो यही सिंटेक्स आगे चलता जाता है। तो ये सिंटेक्स डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का है, ये आपका स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का है, ठीक है। चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं भाई, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में क्या बेनिफिट है। देखो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन एंड डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का डिफरेंशिएट, नॉट अ बेनिफिट, ठीक है, डिफरेंशिएट बताता हूं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, इंडस्ट्री के अंदर और जिस इंडस्ट्री में बड़ा एनवायरनमेंट है या कोई कंपनी प्रोडक्शन के लिए यूज कर रही है ग्रूवी स्क्रिप्ट बेस्ड पाइपलाइन, तो वो लोग ना डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि फंक्शनलिटी ज्यादा है। अभी और बताऊंगा बेनिफिट इसके, तो आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा। स्क्रिप्टेड पाइपलाइन तो यार एक टेस्टिंग के लिए कंपनी यूज कर लिया, कहीं छोटा इन्वायरमेंट है वहां यूज कर लिए, है ना। पहले स्क्रिप्टेड पाइपलाइन आया था, उसके बाद डिक्लेरेटिव आया, जब डिक्लेरेटिव आ गया तो सब लोग डिक्लेरेटिव के साइड जाने लग गए, वहां मोर फंक्शनलिटी, अभी समझाऊंगा सब क्लियर हो जाएगा। देखो क्या फायदा है, देखो यहां पर जो मैंने आपको बताया था ना कि आप पर स्टेज को रीस्टार्ट कर सकते हैं, है ना, हर स्टेज की एक्टिविटीज को रीस्टार्ट कर सकते हैं एडिट वगैरह करके, वो रीस्टार्ट की फंक्शनलिटी ना आपको स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में नहीं मिल रही है, डिक्लेरेटिव में मिल रही है। समझ में आ गई। दूसरा बताता हूं, जो मैंने आपको स्किप का ऑप्शन बताया था ना कि ग्रूवी स्क्रिप्ट से पाइपलाइन बनाया तो स्किप कर सकते हो, वो स्किप की जो फंक्शनलिटी है ना वो स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में नहीं मिलती, वो डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में मिलती है। समझ आ गई। अगला बताता हूं, जो लूप कंडीशन था ना वो लूप कंडीशन की फंक्शनलिटी आपको डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में मिलती है, ठीक है, समझ आ गई। दूसरी चीज बताता हूं अगली, बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था कि आप अगर ग्रूवी स्क्रिप्ट से पाइपलाइन बनाते हैं तो आप जेनकिंस सर्वर का यूजर इंटरफेस एक्सेस करके भी वहां पर भी स्क्रिप्ट लिख सकते हैं, और आप चाहें तो अपने लोकल सिस्टम में टेक्स्ट फाइल में भी लिख सकते हैं, है ना, गिटहब के थ्रू इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो गिटहब के थ्रू इंटीग्रेट करना और जो लोकल में बैठ के टेक्स्ट फाइल लिखना, वो फंक्शनलिटी आपको डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में मिलती है, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में वो नहीं मिलती। अगर आप स्क्रिप्टेड पाइपलाइन यूज करते हैं तो सिर्फ आपको जेनकिंस सर्वर का यूजर इंटरफेस एक्सेस करके ही वहां पर आपको लिखेंगे। उम्मीद करता हूं समझ आ गया होगा, राइट। लेकिन अगली डिफरेंशिएट की बात करते हैं। चलिए अब देखिए क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। स्क्रिप्टेड पाइपलाइन में पता क्या होता है, मान लीजिए आपने ये वाला स्टेज में सिंटेक्स सही लिखा है, इस स्टेज का सिंटेक्स सही लिखा है, इसका सही लिखा है, ये गलत लिखा है, तो यहां पर पता क्या होती है, ये स्टेज सही लिखा है चल जाएगी, इसका सही है चल जाएगी, इसका सही चल जाएगी, ये नहीं चलेगा। अब ये नहीं चला तो आपका क्या यूजफुल है, नहीं है, ये सारी चलनी चाहिए। डिक्लेरेटिव पाइपलाइन में पता क्या होता है, ये स्टेज सही है, ये स्टेज सही है, अगली स्टेज गलत लिखी है ना सिंटेक्स में, चलेगा ही नहीं, पूरा पाइपलाइन नहीं चलेगा, लो भाई पूरी जॉब नहीं, पूरी स्टेज नहीं चलेगी, तो आपका टाइम नहीं खाता। वो शुरू में ही बोलते था भाई गलती क्या है यहां पे, तो सिंटेक्स चेक करता है, यहां पर सिंटेक्स में थोड़ा सा इशू आया, समझ सकते हैं आप लोग, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, और इंटरव्यू में पूछा जाता है दोस्तों, तो ये सारी चीजें बता दें। तो ये जो मैंने आपको बताया स्क्रिप्टेड पाइपलाइन और डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का सिंटेक्स मैंने आपको बता दिया, किस तरीके से सिंटेक्स यहां पर होता है, ठीक है। और इंडस्ट्री में ज्यादातर यूज होता है डिक्लेरेटिव पाइपलाइन, वही डिक्लेरेटिव पाइपलाइन ही यूज होता है ना, स्क्रिप्टेड पाइपलाइन तो देखो पुराना कॉन्सेप्ट हो गया। लेकिन हम लोग अगले वीडियो में स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का पहले प्रैक्टिकल करेंगे, उसके बाद सेकंड वीडियो में हम लोग देखेंगे डिक्लेरेटिव पाइपलाइन का प्रैक्टिकल, क्लियर। तो पहले हम लोग स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का प्रैक्टिकल देखेंगे, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री में डिक्लेरेटिव यूज होता है सीधे डिक्लेरेटिव का प्रैक्टिकल करा दूं, है ना, पहले स्क्रिप्टेड का सीख लीजिए फिर डिक्लेरेटिव का प्रैक्टिकल हम लोग सीखेंगे। और ये प्रैक्टिकल जो हम लोग करेंगे वो काइंड ऑफ एक प्रोजेक्ट बनाकर करेंगे, मतलब अपना प्रोजेक्ट, हम लोग जो लास्ट वाले अपना जो प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट कर रहे थे अभी तक, वो जेनकिंस प्लगइन्स के थ्रू पाइपलाइन बना के कर रहे थे, लेकिन अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट करेंगे स्क्रिप्टेड पाइपलाइन को बना के, और एक प्रोजेक्ट करेंगे हम लोग डिक्लेरेटिव पाइपलाइन को बना के। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारे टर्म्स आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को करते हैं यहीं पर स्टॉप, और अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, राइट। बहुत ही जल्दी मैं स्क्रिप्टेड पाइपलाइन का प्रैक्टिकल कल या परसों तक मैं कर दूंगा, जैसे मुझे टाइम मिलता है, कल मिलेगा कल कर दूंगा, परसों मिलेगा परसों कर दूंगा। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, प्रैक्टिकल में मिलते हैं बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।